Subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. State which pairs of triangles in figures are similar. बहुत सारे pair of triangles आपको दिए हुए हैं. ये पहला है. हमें बताना है कि ये similar है या नहीं है. Write the similarity criterion and the pair of similar triangles in their symbolic form. तो first वाला question है यहाँ पर. अब यहाँ पर वैसे जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से कुछ भी आपको प्रूव नहीं करना है, सिर्फ आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया और सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स लिखकर बताना है, ठीक है. तो अगर इसमें हम लोग कह दें कि इसमें एक दो तीन एंगल, एक दो तीन एंगल, तीनों एंगल इक्वल हैं, तो बस हम सिर्फ इतना कह दें ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तो हमारा काम चल जाएगा. और उसके बाद जो सिमिलर ट्रायंगल है उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर. बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है 60-60 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है 80-80 डिग्री, एंगल सी एंगल आर के इक्वल है 40-40 डिग्री. यही सिमिलैरिटी के सिंबॉलिक फॉर्म में सही से लिखने का तरीका है. आपने एबीसी यहां लिखा और यहां पे क्यूपीआर लिख दिया या आरपीक्यू लिख दिया तो वो सब गलत हो जाएगा. आपने यहां पे पीक्यूआर लिखा और यहां पे एसीबी लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा. इसी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं कि आप सही ऑर्डर में लिखें. तो वैसे तो एनसीईआरटी जितना मांग रही है तो बस यही आंसर है, लेकिन मैं सब कुछ सॉल्व करके आपको बता रहा हूं कैसे प्रूव करना हो अगर तो हम लोग लिखेंगे. और यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू 40 डिग्री. सब में हम लोग एक ही बात बोल सकते हैं, ये सारी बातें क्या थी, गिवन थी. देयरफोर बाय ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर. इतना लिखना था इसमें अगर यहां पे प्रूव करने के लिए बोलते. सो फर्स्ट पार्ट इज डन और हम लोग बक्सा बना देते हैं अपने आंसर्स में. यही आंसर्स सेकेंड पार्ट में देखते हैं. अब देखिए यहां पर साइड्स दिए हुए हैं, एंगल्स नहीं दिए हुए हैं. साइड्स के मेजरमेंट है 2 यूनिट्स 3 यूनिट्स 2.5 4 6 और 5. आप सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान सकते हैं, यहां पे इन्होंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है, मतलब ये रेशियो है. अब आप देखिए कि 2 3 6 और 3 5 से डिवाइड करेंगे तो कुछ फ्रैक्शन में आएगा, फिर 2.5 4 से डिवाइड करेंगे फिर फ्रैक्शन में आएगा. तो जिस तरह से ये बने हुए हैं तो एबीसी सिमिलर टू पीक्यूआर हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन एक काम हम लोग कर सकते हैं. आप देख सकते हैं 3 का डबल 6 है, 2.5 का डबल 5 है और 2 का 4 है. तो काम ये करेंगे हम लोग ट्राइंगल पीक्यूआर को हल्का सा रोटेट करेंगे. इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप मन में रोटेट करके देखिए. तो अब हम लोग जरा सा रोटेट करेंगे तो क्या होगा, क्यू पॉइंट जो है वो ऊपर चला जाएगा. क्यू ऊपर चला गया तो पी नीचे आ जाएगा और आर इधर चला जाएगा. अब आप देख सकते हैं कि क्यू पी जो है हमारा वो था 6 और पी आर था 5 और क्यू आर था 4. समझ में आया कैसे रोटेट किया, तो ये ऐसा बन गया. अब आप देखिए 2 2 4 3 2 6 2.5 2 5, ये हम लोग लिख भी सकते हैं अगर हम लोग चाहें
तो बीसी डिवाइडेड बाय आरपी इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1/2। फिर उसके बाद आ रहा है एबी डिवाइडेड बाय QR 2 डिवाइडेड बाय 4। फिर उसके बाद आ जा रहा है AC डिवाइडेड बाय QP, ये आ जा रहा है 3/6। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये साइड, ये साइड, ये साइड, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर बाय SSS साइड 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 क्राइटेरियन of congruency, congruency है कि similarity, criterion of similarity, triangle ABC is similar to, PQR नहीं लिखेंगे, QRP लिखेंगे, triangle QRP। अब आपको रियलाइज हो रहा होगा कि सिंबॉलिक फॉर्म से कितना अंतर आ जा रहा है। तो ये हमारा हो गया आंसर। दिस इज डन नाउ, कॉपी कर लीजिए। थर्ड पार्ट में देखिए, कोई एंगल तो दिया नहीं है, तो हमें SSS का ही सहारा हो सकता है। बट आप देखेंगे 2 to the 4, 3 to the 6, लेकिन 2.2 to the 5.4 यहां पर नहीं। कैसे भी करें हम लोग कोई एक फिक्स्ड रेशियो साइड पेयर्स में नहीं आ पा रहा है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। सिंस द रेशियोज ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स आर नॉट सेम, therefore triangle LMP is not similar to triangle DEF। यहां पर तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी सिमिलर नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट पार्ट में आए, फोर्थ पार्ट में। अब इसे हम लोग ऐसे अगर रोटेट कर दें, देखिए इस ट्रायंगल को अगर ऐसे कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा। क्यू को ऊपर ही रखें हम लोग, पी को नीचे ले आए और आर को इधर, इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया तो जो QP था वो 5 हो जाएगा, QR जो था वो 10 हो जाएगा, है ना। एक बार देखिए, और एंगल 70 डिग्री यहां पे रहेगा। तो अब ये दोनों एक ऐसे लिखने लगे, और इधर आप देखेंगे ये साइड और ये साइड का रेशियो 2 है, ये साइड और ये साइड का रेशियो भी 2 है, 2 बोलिए या 1/2 बोलिए, और ये एंगल इक्वल है, तो SAS हो गया। सब कुछ लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल्स NML एंड ट्राइंगल, देखिए जैसे इसको पढ़ रहे हैं वैसे इसको पढ़ेंगे, एंड ट्राइंगल PQR NM डिवाइडेड बाय PQ is equal to 2.5 divided by 5 is equal to 1/2, angle M is equal to angle Q is equal to 70 degree, or ML divided by QR is equal to 5 divided by 10, ये हो गया 1/2। तो ये साइड एंगल साइड, ठीक है। देयरफॉर बाय SAS
similarity, similarity criterion, triangle NML is similar to triangle PQR. इस तरह हम लोग लिख देंगे और ये जो अपना आंसर है इसे बक्से में बंद कर दें. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है. यहां पे आपको SAS का धोखा हो सकता है बट आप देखिए यहां तो सही है कि ये साइड है और एक एंगल है लेकिन इन साइड के बीच में ये इंक्लूडेड एंगल है बट यहां पर ये वाली साइड अगर हमें इसी रेशियो में मिल जाती 2.5 का दुगना 5 है और ये साइड अगर 3 होती तब हम लोग SAS बोल पाते बट यहां पर ये वाला एंगल कुछ अलग है और ये वाला एंगल 80 डिग्री है तो हम लोग क्या बोलेंगे एंगल्स बिटवीन टू पेयर्स ऑफ साइड्स ऑफ सेम रेशियो इज नॉट सेम है ना. यानी कि ये जो इंक्लूडेड एंगल है वो सेम नहीं है या दूसरी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं IE इंक्लूडेड एंगल of sides in same ratio is not equal. इस तरह से भी हम लोग ये बात अपनी रख सकते थे तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है. Therefore, triangle ABC is not similar to ट्राइंगल DEF. ठीक है ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल DEF के सिमिलर नहीं है और इसे हम लोग बक्सा पहना लें. यही आंसर हो गया इस पार्ट का. ये भी बहुत अच्छा सवाल है. यहां पर आपको एंगल्स बराबर नहीं दिख रहे हैं. 180 डिग्री तो दिख रहा है तब आप देखिए बोलेंगे एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. एंगल डी कितना है 70 डिग्री एंगल ई है 80 डिग्री एंगल एफ हमें नहीं मालूम. 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री हो गया 150 डिग्री तो एंगल एफ हो गया 30 डिग्री. ठीक है तो एंगल एफ को हम लोग 30 डिग्री रिपोर्ट कर देते हैं यहां पर और उसी तरह हम लोग एंगल पी निकाल लेंगे. ठीक है एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल पी हमें नहीं मालूम है एंगल क्यू 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री एंगल पी आ गया कितना 70 डिग्री है ना. 180 में से 110 गया तो एंगल पी आ गया 70 डिग्री. ये है सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ठीक है तो ये आ गया 70 डिग्री. अब आप देखेंगे कि तीनों ही एंगल करेस्पॉन्डिंग रूप से बराबर है. ठीक है तो एंगल डी एंगल ई एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 70 डिग्री 80 डिग्री और 30 डिग्री. चेक कर लीजिए सब कुछ सही है या नहीं है ना. तो इस तरह से ये सारे एंगल बराबर हैं. देयरफॉर बाय ए ए ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन
ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ओ, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ।